इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 12 करने जा रहे हैं। ये बुक है एचसी मेहरोत्रा की इनकम टैक्स। बाकी इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एस कुमार फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दिस। ठीक है, ये पीएल अकाउंट दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है, तो एक बार आप जरा वीडियो पॉज कर लो और पहले इसको जरा मतलब रीड कर लो ऐसे ही, ताकि क्या होगा कि जब हम पीएल अकाउंट अपना पढ़ेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन है, फिर वहां हम लिंक करके उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। टू रेंट, तो भाई रेंट यहाँ पे रेंट से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है। लिखा हुआ है द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट includes a sum of rupees 720 being the rent charge for godown owned by the SSE himself। तो एक गोडाउन है जिसको कि SSE ने खुद के लिए रेंट पे ले रखा है और उसका 720 रुपए रेंट गया है, तो जो ये 3870 है इसमें से 720 रुपीस का जो रेंट है ये पर्सनल एक्सपेंसेस पे गया है, इसलिए वो डिसअलाउड हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए। ठीक है, और जो बचे हुए इसमें पैसे हैं वो हम मानेंगे कि बिजनेस से रिलेटेड रेंट गया होगा। ठीक है, फिर है स्टाफ सैलरीज, तो स्टाफ सैलरी से रिलेटेड भी एक अदर इन्फॉर्मेशन है। स्टाफ सैलरीज इंक्लूड 1200 बीइंग द सैलरी ऑफ अ सर्वेंट इंगेज एट द रेजिडेंस ऑफ द एसएससी। लिखा हुआ है कि जो ये स्टाफ सैलरी है 8620 उसमें से 1200 रुपए जो है जो घर पे इनके सर्वेंट काम करते हैं उनका है, तो देखो 8620 में से 1200 रुपए जो है इनके पर्सनल एक्सपेंस में जा रहा है क्योंकि ये अपने घर पे सर्वेंट को दे रहे हैं, तो ये 1200 रुपए डिसअलाउड हो जाएगा, ऐड कर दोगे और जो बचे हुए पैसे हैं वो अलाउ ही रहेगा। ठीक है, फिर है टू जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस से भी रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। लिखा है द जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ 500 बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो भाई कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कराए हैं इसलिए अलाउ ही रहेगा। ठीक है, तो ये जनरल चार्जेस पूरा अलाउ रहेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने पढ़ा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली डिसअलाउ रहता है। जब असेसमेंट ऑफ फॉर्म वाला चैप्टर करोगे तो उसमें थोड़ा अलग होता है, उसका भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो। बाकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में फुल्ली डिसअलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर ऑडिट फी, तो ऑडिट फी तो भाई अलाउ ही रहेगा, बिजनेस के काम से होता है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट जो होता है अलाउ रहता है, बिजनेस का ही मानते हैं हम। ठीक है, फिर टू रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, तो मैंने बताया था कोई भी रिजर्व हो तो वो डिसअलाउ होता है, फुल्ली उसको ऐड कर लेना, तो 600 ऐड कर लेना। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में ही मैंने रिजर्व का बताया है। फिर है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जो है भाई वो पर्सनल एक्सपेंस होता है इसलिए वो डिसअलाउ रहेगा, ऐड हो जाएगा। फिर है लॉ चार्जेस, तो भाई लॉ चार्जेस से भी रिलेटेड एक अदर इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले एक बार अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना आप, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि पीएल अकाउंट में किस पर्टिकुलर्स के साथ कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, तो लॉ चार्जेस इंक्लूड पेमेंट ऑफ ₹2300 बीइंग स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस एंड सॉलिसिटर्स बिल फॉर द डीड ऑफ परचेज ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो लॉ चार्जेस में ₹2300 जो है ना एक प्रॉपर्टी के परचेज के लिए स्टैम्प रजिस्ट्रेशन और इन सब चीजों में गया है, तो प्रॉपर्टी को परचेज करना इनका बिजनेस थोड़ी ना है, तो इसीलिए ₹2300 जो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लगे हैं वो डिसअलाउ हो जाएगा और बचे हुए पैसे अलाउ रहेंगे, उसको यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, फिर है टू कंपनसेशन टू अ रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, तो भाई देखो कंपनसेशन जो दिया जाता है रिट्रेंचमेंट के लिए तो ये तो बिजनेस से ही रिलेटेड माना जाएगा। क्यों, देखो यार नोट्स में भी लिखा है कंपनसेशन पेड टू रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय इज अज्यूम्ड टू बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। भाई रिट्रेंच मतलब क्या होता है, भाई जब कंपनी से मालिक खुद निकाल रहा है एम्प्लॉय को, कई बार ऐसा होता है कि अब उतना सैलरी देने मतलब कि कोई फायदा नहीं होता है सैलरी देने का, या अब उस एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है तो उसको रिट्रेंच कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और कुछ कंपनसेशन दे दिया जाता है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड ही खर्चे में आएगा। ठीक है, तो ये अलाउ रहेगा। फिर है टू कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस ₹2000, तो इससे भी रिलेटेड एक एडजस्टमेंट था, नहीं इससे रिलेटेड एडजस्ट
देखो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस। ऑफिस प्रेमिसेस को बढ़ाने के लिए और भी बड़ा बना रहे होंगे तो उसका कॉस्ट आया है। ये भले ही ऑफिस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि यहाँ पे नहीं आएगा, ये पीएल अकाउंट में नहीं शो होना चाहिए था, तो ये डिसअलाउ करके इसको आप एड कर लोगे, ठीक है। फिर है टू चैरिटी एंड डोनेशंस, तो इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया। हम मानेंगे कि कहीं भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या कहीं और दिया गया है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो डिसअलाउ ऐड कर देना। फिर डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन पीएल में भी है, अदर इंफॉर्मेशन भी है। अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स चार्जेबल अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स अमाउंट टू ₹6,780। तो अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी इनकम फ्रॉम बिजनेस की, तो उसमें मैंने बकायदा अलग से डिप्रिसिएशन का बताया है। अगर सिर्फ पीएल में रहता तो अलाउ, अगर पीएल और अदर इन्फॉर्मेशन दोनों जगह है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5,700 जो पीएल वाला है उसको ऐड कर लो आप, और जो अदर इन्फॉर्मेशन वाला है उसको आप लेस कर देना। कहने का मतलब जब नेट प्रॉफिट में आप सारी चीजें ऐड करते हो तो पीएल वाले डिप्रिसिएशन को ऐड कर लेना, ठीक, और जो अदर इन्फॉर्मेशन वाला डेप्रिसिएशन है उसको पूरा पूरा लेस कर देना। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक। दूसरा ये तरीका था कि भाई जब एक्सेस डेप्रिसिएशन रहता है तो मतलब कि पीएल अकाउंट में अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन डेबिट रहता तो जितना ज्यादा होता है उसको हम ऐड कर लेते, लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि डेप्रिसिएशन कम डेबिट हुआ है। ध्यान से समझना इस बात को, जब डेप्रिसिएशन में ज्यादा डेबिट हो जाता था तो जितना एक्सेस रहता था उसको हम सीधे सीधे ऐड कर लेते थे, ठीक है, लेकिन यहां आप देख रहे हो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन है 6,780, लेकिन इन्होंने भूल के कम डेप्रिसिएशन लिख दिया यहां पे, तो इसका मतलब कि अभी और भी डेप्रिसिएशन था जिसको यहां डेबिट में होना चाहिए था। कितना? तो 6,780 माइनस 5,700, 1,080 डेप्रिसिएशन और पीएल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, ठीक। तो या तो आप ऐसे कर दो कि जो हम नीचे लेस करते हैं ना, एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, उसमें करके 1,080 डेप्रिसिएशन लेस कर दो सीधे सीधे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पीएल वाला ऐड कर दो और अदर इंफॉर्मेशन वाला लेस कर दो, तो इससे भी आपका आंसर सेम आएगा। तो देखो बुक में क्या किया गया है, बुक में पीएल वाला डेप्रिसिएशन को ऐड किया गया है और जो एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन था अदर इन्फॉर्मेशन वाला उसको लेस किया गया है। तो बुक में तो ऑलरेडी इस तरीके से किया गया है, मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखा दे रहा हूं जिसमें कि जितना डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है अलाउ उसको हम लेस कर देंगे, ठीक है। मैं वैसे करके दिखा रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो और जैसे मैं करवाऊंगा वैसे भी कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम मानेंगे कि ये बिजनेस मतलब कि अपने एम्प्लॉई के एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में गया है तो इसलिए अलाउ रहेगा, ये नेट प्रॉफिट इसको तो लेना ही है। फिर अब इधर आ जाते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट इसका कोई काम नहीं। मिसलेनियस रिसिप्ट्स, तो भाई ये बिजनेस का ही इनकम मानते हैं, ठीक है, अलाउ रहेगा। डिस्काउंट बिजनेस से रिलेटेड होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, भैया साफ साफ आपको पता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का है, तो कोई भी इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो उसको आपको लेस करना है, वो डिसअलाउड इनकम हो जाएगा, ठीक है। फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 560, तो इससे ऐसे तो ये अलाउ रहता लेकिन इससे रिलेटेड भाई एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इंक्लूड्स एन आइटम ऑफ ₹200 द क्लेम फॉर विच वॉज डिसअलाउड इन द रिलेटेड ईयर ऑफ असेसमेंट। ध्यान से समझना इस बात को, जो ये बैड डेब्ट रिकवर हुआ है ना इस ईयर में 560, इसमें से ₹200 ऐसा था जिसको कि पहले वाले ईयर्स में जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वहां पे इन्होंने क्या किया था, इस 200 को डिसअलाउ किया था, मतलब इस 560 में से 200 को इन्होंने डिसअलाउ किया था। तो अब जब वो ₹200 वापस मिल गया है तो बैड डेट आपको पता है ना अलाउ होता है, तो जब वो ₹200 जिसको पहले डिसअलाउ ठहराया था वो आज मिल गया है तो अब इसको आप लेस करके दिखाओगे, ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड नॉट टैक्सेबल करके, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ यहां पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी,
इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी रिलेटेड टू मशीन परचेज्ड इन दिसंबर 2019 फॉर रुपीज 15,000, इट्स रिटन डाउन वैल्यू वॉज इतना 10,935 एंड द सेम वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 16,700। ठीक है, तो भाई एक कार था, उन्होंने लिया था 15,000 में और उसका रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 10,935 का था और जब बेचा था इन्होंने तो 16,700 का, इसका मतलब इनको प्रॉफिट हो गया था 5,765 का। लेकिन मैंने हमेशा बताया कि जब भी अगर जैसे लॉस होता है कोई भी कार बेचने पे और यहाँ डेबिट होगा तो उसको भी ऐड कर लेना, ठीक वैसे ही कोई प्रॉफिट हुआ है जब कार को या मशीनरी को बेचने पे तब आप क्या करोगे, वो प्रॉफिट भाई कभी भी पीएल अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है सेल ऑफ मशीनरी पे। ठीक है, ये जो होता है ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ये कैपिटल गेन्स हेड में जाएगा, यहां पे नहीं आएगा, इसलिए इसको आप क्या करोगे, डिसअलाउड इनकम और ये भी लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर है प्रॉफिट ऑन स्मगलिंग बिजनेस 1,25,000। तो यहां पढ़ो, यहां पे लिखा है कि कोई भी एक्सपेंस और लॉस रिलेटेड टू इलीगल बिजनेस आर डिडक्टेबल फ्रॉम इलीगल बिजनेस इनकम बट पेनल्टी एंड ब्राइब इज नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, तो प्रॉफिट जो हुआ है स्मगलिंग बिजनेस पे 1,25,000 ये प्रॉफिट हुआ है इसलिए ये अलाउ रहेगा। ठीक है, अब ये स्मगलिंग का बिजनेस है तो इलीगल है तो इसको करने के लिए भाई और भी इलीगल काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर पुलिस को ब्राइब दिया गया यानी कि रिश्वत दी गई है 12,000 रुपए की और यहाँ लिखा है साफ साफ कि भाई पेनाल्टी और ब्राइब नॉट डिडक्टेबल होते हैं तो इसीलिए 12,000 रुपए जो है नॉट डिडक्टेबल होगा और इसको आप क्या करोगे, इसको आप ऐड कर लोगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो क्रेडिट साइड था, इसको आप ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्रेडिट साइड वाले को तो हम लेस करते हैं, लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, लेस भाई ये पैसा गया है तो ये चाहता इधर भी दिखा देता है, लेकिन इसने पीएल अकाउंट में साफ साफ दिखाया है कि स्मगलिंग बिजनेस को करने में 12,000 रुपए पुलिस को रिश्वत गया है तो यहाँ लेस में ही है यानी कि डेबिट हुआ है, 12,000 रुपए कम हुआ है, तो ये 12,000 रुपए जो रिश्वत दिया गया है ये बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना माना जाएगा तो ये एड करेंगे, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा। फिर है स्मगल्ड गुड्स सीज्ड, तो हमने अभी पढ़ा था कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है रिलेटेड टू इलीगल बिजनेस तो वो भाई अलाउ रहेगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। फिर है पेनाल्टी टू कस्टम अथॉरिटीज, ब्राइब और पेनाल्टी कोई भी इलीगल काम के लिए है वो नॉट डिडक्टेबल रहता है तो 13,000 रुपए भी ऐड कर दोगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस रहेगा। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट हमने देख लिया, रेंट वाला भी, स्टाफ सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, लॉ चार्जेस, डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट रिकवर और प्रॉफिट वाला सब देख लिया। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 12 का। इसमें सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस पूछा है हमसे, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां पे लिख दो। इस बुक में 2022-23 वाला ये बुक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हुआ है वो लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट हुआ है कितने का, 98,670 का। ठीक है, ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हुए हो। ठीक है, तो आप बैक करके देख सकते हो वीडियो, मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है कि क्यों डिसअलाउ होगा और कितना अमाउंट डिसअलाउ होगा। तो सबसे पहले रेंट है, उसमें से 720 रुपए जो रेंट गया है वो पर्सनल खर्चे के लिए है क्योंकि वो खुद के ही मतलब जिसमें खुद का उनका काम था उसका रेंट गया है 720 रुपए। तो आप यहां लिखोगे रेंट फॉर गोडाउन ओन्ड बाय प्रोप्राइटर। ठीक है, कितना है आपका रेंट है एक्स्ट्रा 720, अभी इनर कॉलम में लिखते चलो। ठीक है, उसके बाद फिर है स्टाफ सैलरी, तो भाई स्टाफ सैलरी में जो हमने जब एडजस्टमेंट पढ़ा था हमको पता चला कि 1,200 रुपए जो था वो घर के स्टाफ के लिए था, तो स्टाफ सैलरी फॉर सर्वेंट्स Engaged at residence, तो भाई रेजिडेंस पे जो भी सर्वेंट का खर्चा आया वो बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना माना जाएगा, तो कितना है वो अमाउंट, वो है आपका 1,200 रुपए 1,200। उसके बाद है
जनरल चार्जेस अलाउ रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही डिसअलाउ रहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है अमाउंट? 1800, ठीक है। उसके बाद है ऑडिट फी अलाउ रहता है, बैड डेप्ट अलाउ रहेगा, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में ही मैंने बताया है, कोई भी रिजर्व रहेगा और डिसअलाउ है उसको आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो 600 रुपए। उसके बाद है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंस होता है, अमाउंट है 2400 रुपए। कंपनसेशन टू अ रिट्रेंच एम्प्लॉय, तो इसको मैंने समझाया भी अभी कि भाई जब कभी एम्प्लॉय की जरूरत अब नहीं होती है तो उस एम्प्लॉय को कंपनी निकालती है, लेकिन कुछ कंपनसेशन दे के, और वो बिजनेस के ही फायदे में होता है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड कंपनसेशन माना जाएगा, अलाउ रहेगा। फिर है कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस। तो अब आप लोगों को लगेगा भाई ये तो ऑफिस का ही तो खर्चा है, ऑफिस ही तो बढ़ाने के लिए कॉस्ट आया है, लेकिन कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो उसको आप ऐड करोगे, वो डिसअलाउ माना जाएगा 2000 रुपीज, ठीक है। तो भाई ये जो ऑफिस को बढ़ाने के लिए कॉस्ट आया है वो यहाँ पे पीएल अकाउंट में नहीं शो होना चाहिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर है चैरिटी एंड डोनेशन, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे बिजनेस से रिलेटेड डोनेशन नहीं है। तो ये हो जाएगा भाई आपका अमाउंट है 184। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन। देखो पीएल अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, क्वेश्चन में अभी फिर बता दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का हमने एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन अगर ओनली पीएल में है तो हम अलाउ रहने देते हैं उसको, ठीक। अगर डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में है यानी कि अदर इंफॉर्मेशन में है तब हम क्या करते हैं, सीधे लेस कर देते हैं उसको, ठीक। लेकिन जब बोथ पीएल और एडजस्टमेंट, मतलब कि जब दोनों जगह पे हो, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। या तो हम ये कर सकते हैं कि पीएल वाले डेप्रिसिएशन को हम पूरा पूरा अमाउंट ऐड कर लें अभी, और एडजस्टमेंट वाले डेप्रिसिएशन को पूरा पूरा अमाउंट को लेस कर लें। एक तो ये तरीका है जैसा बुक में दिया हुआ है। तो अभी क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि हम दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि ये वाला तरीका तो बुक में दिया ही हुआ है और मैंने आपको समझा भी दिया कि पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस। एक और तरीका ये है कि हम देखते हैं कि पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन कम डेबिट हुआ है या ज्यादा। अगर पीएल अकाउंट में ज्यादा डेबिट होता यानी कि एक्सेस डेबिट हो जाता तब हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि डेबिट हुआ है 5700 और ओरिजिनल में था 6780, यानी कि डेबिट क्या हुआ है, कम हुआ है। तो जितना कम अमाउंट हुआ है, जितना मतलब अमाउंट अभी तक डेबिट नहीं हुआ है, उस अमाउंट को हम लेस करेंगे। तो भाई 6780 में से आप माइनस करोगे 5700 तो आपका आ जाएगा 1080 को भी डेबिट होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ, हम कर देंगे उसको लेस सीधे सीधे, ठीक है। समझ में आ गया। एक तो या तो इस तरीके से कर लो कि पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, या फिर सीधे सीधे जितना डेप्रिसिएशन जो है नहीं डेबिट हुआ है उसको लेस कर दो, ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहो बुक की तरीके से कर लो, यहाँ पे पीएल वाला डेप्रिसिएशन लिख लो और बाद में एडजस्टमेंट वाला लेस कर देना, ठीक है। लेकिन मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा, सीधे लेस करके, ठीक। अब इसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूं मैं। उसके बाद है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, वो अलाउ रहेगा, ठीक है। और कुछ भी इधर है नहीं है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी था। इधर साइड देखो लिखा हुआ है कि लेस हुआ था, बॉर्डर पुलिस को रिश्वत दी गई थी, तो एक्चुअल में ये डेबिट ही हुआ है, भले ही ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। ये मत सोचना कि अभी मैं इसको क्यों ऐड करने जा रहा हूं डिसअलाउड में। यहां देखो क्रेडिट में क्या आता है, इनकम आता है, लेकिन ये बॉर्डर पुलिस को रिश्वत गई है यानी कि पैसा कम हुआ है, डेबिट हुआ है, तो ये एक तरीके से यही वाला अमाउंट है। तो ये जो 12000 रुपए है ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया। इसको यहां पे लिखो, ब्राइब टू बॉर्डर पुलिस, अमाउंट है 12000 रुपए। उसके बाद है पेनाल्टी टू कस्टम अथॉरिटीज, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसको डिसअलाउड करो आप, डिसअलाउड एक्सपेंसेस है ये भी। तो पेनाल्टी टू कस्टम अथॉरिटीज अमाउंट 13000, ठीक है। अब इन सबको आप ऐड करो।
अच्छा देखो, एक गलती हो गई, इसीलिए मैं ऐड करने से पहले एक बार पढ़ लेता हूँ दोबारा से एडजस्टमेंट। तो अभी मैंने देखा कि भाई थर्ड फोर्थ पॉइंट जो था उसमें लिखा था कि लॉ चार्जेज में 2300 रुपये ऐसे थे जो कि एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए स्टैंप और रजिस्ट्रेशन फी और सॉलिसिटर्स बिल गया था। तो प्रॉपर्टी को खरीदना इनका बिजनेस थोड़ी ना है, तो ये जो 2300 रुपये है ये ऐड होगा, डिसअलाउ एक्सपेंसेस है। तो लॉ चार्जेस फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे नहीं आएगा। अमाउंट कितना है? 2300 रुपये। अब ऐड करो इन सबको आप, 720 प्लस 1200 प्लस 1800 प्लस 600 प्लस 2400 प्लस 2000 प्लस 184 प्लस 12000 प्लस 13000 प्लस 2300, ये हो गया 36204। और ध्यान रखना मेरा जो ये वाला अमाउंट है वो बुक से डिफरेंट आ रहा होगा, क्योंकि उन लोग ने डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड किया है और एडजस्टमेंट वाला लेस करेंगे, लेकिन मैं डेप्रिसिएशन को सीधे तरीके एक दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए मेरा ये वाला अमाउंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है? अब आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में इसको ऐड कर दो। तो 36204 प्लस 98670, ये हो गया 134874। अब हम लेस करेंगे डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसको छोड़ दो आप, मिसलेनियस रिसिप्ट अलाउ है, डिस्काउंट अलाउ है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, भाई वो आपको पता ही है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो कोई भी दूसरे सोर्स का इनकम अगर पीएल अकाउंट में क्रेडिट है तो उसको हमको लेस करना रहता है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2400, ठीक है? फिर उसके बाद है बैड डेट्स रिकवर्ड, अलाउ रहता है, लेकिन जब हमने एडजस्टमेंट पढ़ा तो उसमें हमको पता चला कि जितना ये बैड डेट इस साल रिकवर हुआ है ना 560, इसमें से 200 रुपए ऐसा था जो कि पहले ईयर में डिसअलाउ दिखाया गया था क्योंकि वो नहीं मिला था, ठीक है? तो जिसको पहले डिसअलाउ किया था जब नहीं मिला था, तो आज जब मिल गया है तो अलाउ भी तो दिखाओगे उसको। तो आप यहां लिखो बैड डेट रिकवर नॉट टैक्सेबल, जिसको अभी तक हमने अलाउ नहीं किया था, पहले डिसअलाउ किया था तो आज जब मिल गया है तो उसको अलाउ कर दो, ठीक है? फिर उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो भाई ये एक कैपिटल गेन्स है तो यहां पे नहीं आएगा, ठीक है? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखो यहां पे आप, ये 5765, ठीक है? अब इन तीनों को आप ऐड करो, 2400 प्लस 200 प्लस 5765, ये हो गया 8365, इसको आप लेस करो 134874 में से, ये हो गया 126509। अभी हम लोग का आंसर नहीं खत्म हुआ। अब यहां हम लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, मतलब कि हमको जो एक्सपेंसेस डिडक्शन के तौर पे अलाउ हुए हैं लेकिन अभी तक पीएल में डेबिट नहीं हुआ है, उसको हमको करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ठीक है? तो भाई दो तरीका होता है सॉल्व करने का, जब भी पीएल और अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा हो पीएल वाला ऐड कर दो, एडजस्टमेंट वाला लेस कर दो। एक तो सीधा सीधा तरीका, एक ये तरीका है कि जितना डेप्रिसिएशन नहीं डेबिट हुआ है बस उतने को आप सीधे सीधे लेस कर दो। तो भाई देखो, ओरिजिनल था 6780 लेकिन पीएल में डेबिट हुआ है केवल 5700, तो 6780 माइनस 5700 ये हो गया 1080, और कोई भी ऐसा एक्सपेंस है नहीं, इसको आप बाहर लिख लो और इसको लेस कर लो 126509 में से,
ये हो गया 1,25,429, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, 1,25,429। अब ध्यान रखना है हमको, या तो आप इस वाले तरीके से कर लो, इसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो आप, ये नेट प्रॉफिट में ऐड करना है ये सारी चीजें, ठीक, फिर उसके बाद लेस करना है, और फिर उसके बाद ये लेस करना है, या तो आप इस तरीके से कर लेना, या फिर जैसे बुक में दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन को पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है।